इस वक्त हम जा रहे हैं बनास नदी पर। वहाँ पर जो है बनास नदी की चादर चल गई है और लगभग एक फुट से भी अधिक जो है वो चादर चल रही है। लगभग दो दिन हो चुके हैं चादर चलते हुए। और ये देखिए इस वक्त बिल्कुल बीचों बीच में बनास नदी के खड़े हुए हैं। अभी उधर आगे जा नहीं सकते हैं क्योंकि आगे थोड़ा सा पानी ज़्यादा है। कोशिश करके देखेंगे। अतुल वहाँ तक जाके आया था। अतुल कितना ज़्यादा पानी लग रहा है आगे? बहाव आगे जैसे जाते जा रहे हैं तो बहाव बढ़ता जा रहा है, तो बहाव ज़्यादा तेज है इस वक्त। लोकल पब्लिक तो बक बक के आ रही है, हमको तो चलने में जोर आ रहा है। लोकल जो है यहाँ के रहने वाले वो ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर पार कर पा रहे हैं। यहाँ पर एक पाइप भी डाला हुआ है, ये किस लिए डाला है पता नहीं है मेरे को। और एक बस भी आ गई है तो वो भी देख लेते हैं। देखिए तो इस वक्त खड़े हैं बनास नदी पर और अतुल है, अमित है, एक ये ब्लॉग वीडियो बनाया है मैंने, जो समाचार वाला वीडियो है वो तो मैंने लाइव चला दिया था। और पीछे आप देख सकते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी है, सब तरफ पानी ही पानी है। लेकिन पानी जो है वो गाने के हिसाब से ब्लू नहीं है, ये पानी पीला है, थोड़ा सा मटमैला हो गया है पानी। और यहाँ पर देखिए, यहाँ के रहने वाले हो क्या? देखिए क्या नाम है आपका? एक खुशी राम जी बताएंगे। पानी सुबह से अरब में कितने कुछ अंतर आया है क्या? अंतर आया सर। कितना अंतर आया है पानी में? कम से कम 10% हो गया। मतलब बढ़ा है पहले पानी या कम हुआ है? बढ़ा है। तो आगे क्या संभावना है, पानी बढ़ेगा या कम होगा? मतलब बढ़ेगा। ऐसा क्यों? बरसात की वजह से वहाँ से बहुत टोक में बहुत बारिश हुआ है। बिसलपुर के गेट अभी नहीं खोले गए हैं, तो अगर बिसलपुर के गेट खुलते हैं तो ये पानी और बढ़ेगा। अभी तक 5 घंटे बारिश बता रहे हैं, तो गेट समान हो सकती है। देखिए बरसात बादल अभी सब जगह छाई रहे हैं, अगर बादल छाते हैं और ज़्यादा और अगर बरसात होती है तो बिसलपुर के गेट खुल जाएंगे और उसके बाद में बनास में पानी की संभावना और बढ़ जाएगी। अभी तो साधन निकल रहे हैं लेकिन बरसात आ जाती है और पानी बढ़ जाता है तो उस स्थिति में साधन बंद भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ कोशिश भी कर रहे हैं। अतुल कैसा अनुभव हो रहा है, मतलब जो यहाँ पर आने के बाद में किस प्रकार का फीलिंग है? मस्त। जैसे रात को तो सुना था काफ़ी बाव था पर सुबह कम हो गया था, फिर अब वापस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही क्योंकि पैर फिसलने लग गए। देखिए हम तो यहाँ तक ही। अतुल ने तो हिम्मत करके, अतुल तो वहाँ आगे तक जाके आया, लगभग मेरे से 21 मीटर और आगे जाके आया था, लेकिन मेरी हिम्मत यहीं पर जवाब दे गई है। आप देख सकते हैं पानी की स्थिति कैसी है। और इधर आप देख सकते हैं पीछे की तरफ जो है पूरा पानी ही पानी हो रहा है इस वक्त। और इधर भी आप देख सकते हैं पूरा पानी ही पानी है। मैं वहाँ जाता हूँ, कुछ लोग खड़े हुए हैं। यहाँ के होने रहने वाले? देखिए क्या क्या नाम है आपका? भगवान सिंह गुजर। एक तो भगवान सिंह जी हैं और आपका? नरेंद्र गुजर। और आपका? ऋतिक गुजर है इनका नाम। तीनों ही गुजर हैं। यहाँ पर क्या आप क्रॉस करवा रहे हो क्या? साथ में कोई जिसे नहीं निकला था उसको हेल्प कर देते। चलो अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है। तो चार्ज वगैरह कितना है उसका? नहीं कुछ भी नहीं। चलो ये बहुत अच्छी बात है। देखो इन्होंने बताया यहाँ पर कि जो भी किसी को परेशानी हो रही है निकलने के अंदर यहाँ से, तो ये फ्री ऑफ चार्ज ही उसको यहाँ से क्रॉस करवा रहे हैं क्योंकि ये इसी स्थिति के आदि हैं। यहाँ पर ये लगातार हर साल शायद इनको इस प्रकार की स्थिति का सामना करना पड़ता होगा, तो इसलिए इनको तो परेशानी नहीं आती है, लेकिन कोई बाहर से कोई आता है तो उसको ज़रूर इस प्रकार की परेशानी आती है। और जो लेडीज़ होती है ज़रूर उनको ज़्यादा परेशानी आती है। तो एक अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर तीनों, धन्यवाद आपको इस चीज़ के लिए। देखिए आप यहाँ पर बहाव लगातार बढ़ ही रहा है ना, पहले से बढ़ रहा है ना बहाव? तो पहले सुबह से बढ़ रहा है। सुबह से बता रहे हैं बहाव, अभी मैंने जिनसे मालूम किया वो यही बता रहे हैं कि बहाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं पूरा सीन, में एक बार वाइड व्यू दिखा देता हूँ आपको। नाम बताओ तुम्हारा, क्या क्या नाम है? राकेश गुजर सारसो फ्रॉम दौड़ूराम गुजर सारसो। दोनों सारसो के हैं। थोड़ी देर के लिए रुके हैं यहाँ पर, पूरा चिप्स वगैरह लाए थे साथ में, तो चिप्स वगैरह खाए हैं। और देखिए बहुत ही हल्की हल्की बौछारें, बहुत ही शानदार और मनमोहक मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़ोरदार। इस वक्त थोड़ा सा मैं रोड पर ही हूँ,
देखिए पीछे बादल अभी भी छा रहे हैं, हल्की सी बरसात और थोड़ी सी कैमरे पे भी आ गई है, शायद आपको नज़र आए या नहीं आए, लेकिन और इधर से धूप भी थोड़ी सी आने की कोशिश कर रही है, लेकिन बरसात और थोड़ा सा एक हमें अभी दुख भरी सूचना मिली थी, टोंक में बनास नदी में एक युवक डूब गया, उसकी मौत हो गई वहाँ पर। तो बरसात के मौसम में इसी जगह जाने से बचें जहाँ पर पानी की अधिकता है, जरूर से ज़्यादा पानी है, और अपने बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं जाने दें, और जहाँ तक अगर आपको लगता है कि जाना ही चाहिए तो थोड़ा सा ध्यान रखें और गहरे पानी में बिल्कुल भी नहीं जाएं, क्योंकि बनास में जो पानी था वो अभी ऐसा कह रहे हैं वहाँ पर कि बढ़ेगा, और इसके बाद में हम जाएंगे गलवा नदी पर, जहाँ पर जाने के बाद में गलवा नदी का भी मैं आपको थोड़ा सीन दिखा देता हूँ। अभी आप देख लीजिए पूरा व्यू कि कितना यहाँ पर पूरा हरा हो रहा है इस वक्त। पीछे आप देखिए, पीछे भी एक नाला बह रहा था, पता नहीं कहाँ से आता है, नॉर्मल अभी बरसाती नाला है, एक दो दिन चलेगा। अतुल बताएगा कि अतुल कितना आनंद आया आज भी। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा बाउल था, बहुत अच्छा सीन था, मस्त एक नंबर बाउल था। त्रिकुटी का वीडियो बना तो लिया गया लेकिन मैं एडिट नहीं हुआ है, और अमित को हर बार की तरह क्या 1 करोड़ का आनंद आएगा, मैं इस बार कितना आनंद आया आज मेरे को 2 करोड़ रुपए का आनंद आ गया फ्री में। और ये देखिए मौसम भी बहुत अच्छा, अब तक ये कुल मिलाकर 4 करोड़ रुपए का आनंद ले चुका है। 1 करोड़ तो इसने रणथंभौर में लिया, 1 करोड़ त्रिकुटी में भी लिया था, और अब 2 करोड़ का है, तो इस प्रकार से अमित ने अब तक 4 करोड़ रुपए का आनंद ले लिया है। देखिए क्योंकि मौसम ही इतना शानदार है, हमारे गांव के आसपास के नज़ारे बहुत ही शानदार हैं। तो चलिए अब गलवा नदी पर चलते हैं। तो अब आ गए हैं गलो पर, बनास तो देख ही ली थी आपने, और अब देख लीजिए आप गलवा नदी। देखिए आप, ये भी जो मैंने आपको बताया था कि आटा पाटा जो चल रही है ना किनारे से किनारे पर, तो एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे तक गलवा नदी जो है वो पूरी इस वक्त चल रही है, और आवाज़ अगर आपको आ रही हो तो आवाज़ भी आप सुन सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत ही शानदार इस वक्त पानी यहाँ पर आ रहा है, पूरा मटमेला पानी है। देखिए आप पीछे इधर से आ रही है, और ये बरसाती नदी है, सिर्फ बरसात के मौसम में ही बहती है, अभी शायद ये 3 या 4 महीने बहेगी, उसके बाद में जो है वो बंद हो जाती है, इसका बहाव ख़त्म हो जाता है। लेकिन ये जो घाटी बना की जाती है ये ऐसी की ऐसी रहती है, आप देख सकते हैं पूरा ये सीन गलवा नदी का। और एक जानकारी मैं दे दूं, मुझे ऐसा लग रहा है कि बरवाड़ा में शायद बरसात हो रही है, तो आपको एक मैं पूरा व्यू घूम के दिखा देता हूँ गलवा नदी का। ये देखिए आप, ये है गलवा नदी जो कि पाँव डेरा के पास में स्थित है, और जब आप चौथका बरवाड़ा से जयपुर जाते हैं तो रास्ते में पड़ती है। तो देखिए ये जो है गलवा नदी का आपने देखा भी सीन, और बरवाड़ा में तो अभी बरसात हो रही है, शानदार मौसम है। ये ऐसा पहली बार हुआ है जब हम हेलमेट लेकर नहीं आए हैं, वरना मैं हर मेरी व्लॉगिंग में हेलमेट लेकर जरूर जाता हूँ, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि जब भी जाएँ तो हेलमेट लेकर जरूर जाएँ। गाड़ी की स्पीड मेरी 35 से आगे नहीं बढ़ पाई है, क्योंकि बिना हेलमेट के मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं है, तो मुझे बहुत अटपटा लग रहा है। अभी भी गाड़ी की स्पीड 30 पर है, क्या करूँ, आगे जाती ही नहीं है, क्योंकि बिना हेलमेट की गाड़ी चलाना आता नहीं है, और ये मेरे लिए अच्छा है। बिना हेलमेट के सभी को गाड़ी कभी भी नहीं चलानी चाहिए, अगर हो सके तो हेलमेट हमेशा ही पहने। थोड़ी बरसात तेज़ हो गई है बरवाड़ा में, तो अभी मुझे लग रहा है कि शायद तेज आ रही है, हालांकि यहाँ से चौथ माता अभी नज़र आ रही है, लेकिन बहुत ही शानदार और मनमोहक मौसम है। अमित को 2 करोड़ रुपए का मजा आया, अतुल तेरे को कितना करोड़ का आया? अतुल को भी 2-3 करोड़ का मजा आया है, और मेरे को तो खैर शौक ही इस प्रकार घूमने का, तो मेरा तो ये मान लीजिए कि मतलब बता नहीं सकता, अरबों खरबों क्या मतलब अनुमानित कुछ अनुमान लगाना संभव नहीं है कितना आनंद, अगर इस प्रकार की ब्लॉगिंग आप करते हैं, ट्रैवलिंग आप करते हैं, एडवेंचर आप करते हैं, तो बहुत ही शानदार लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो बरसात धीरे धीरे बढ़ रही है, तो मुझे कैमरा अंदर रखना पड़ेगा, तो चलिए वीडियो करते हैं बंद, और धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और जुड़े रहे परिहार ट्रेवल ब्लॉग से, और लगातार ऐसे मौसम का आनंद लेते रहिए। धीरे धीरे हम बाहर भी जाएंगे, यहाँ पर आगे बहुत सारे लोग जो हैं वो एकत्रित हो रहे हैं, कुछ घटना देखने की क्या हुआ है घटित, शायद कुछ गाड़ी वगैरह स्लिप हुई, क्या हुआ यार यहाँ पर, यहाँ पर ऐसे ही केले वगैरह ले रहे हैं। अरे रामदेव जी यात्रा दिख रही है, ये यात्रा का है जो है वो सिस्टम है,